देवभूमि उत्तराखंड में चलने वाली चार धाम यात्रा अब समापन की ओर है। जहां केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, वहीं 17 नवंबर को बद्रीनाथ धाम के भी कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए जाएंगे। अब चार धाम यात्रा की समीक्षा भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने दावा किया था कि बीते वर्ष की तुलना में इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालु आएंगे और बीते वर्ष 56 लाख श्रद्धालुओं का रिकॉर्ड इस वर्ष टूटेगा। यात्रा को लेकर कांग्रेस का कहना है कि यात्रा के शुरुआती चरण में तमाम अव्यवस्थाओं से श्रद्धालुओं को जूझना पड़ा। कांग्रेस ने श्रद्धालुओं की अपेक्षाकृत कम संख्या को व्यवस्था में कमी बताई है। वहीं बीकेटीसी अध्यक्ष ने इसको लेकर कहा कि क्योंकि यात्रा को समय समय पर रोकना पड़ा और बरसात के चलते भूस्खलन और अन्य आपदाओं से भी यात्रा पर प्रभाव पड़ा है, इसलिए यात्रियों की संख्या कम देखी गई। साथ ही उन्होंने कहा कि क्योंकि बद्रीनाथ धाम की यात्रा अभी संचालित है तो संभावना है कि श्रद्धालुओं की संख्या में जरूर इजाफा होगा। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। देखिए, यात्रियों की संख्या ये जो दिख रही ये भी सही आंकड़े नहीं है। इन्होंने रजिस्ट्रेशन के आधार पर ये किया और रजिस्ट्रेशन में किए हुए लोग भी बहुत से लोग नहीं आ पाए, स्थितियां और हालात ऐसे नहीं थे। तो खाली यात्रियों की संख्या कम नहीं है, व्यापार घटा। इन 6 सालों में बीजेपी के शासन में जो हमारा चारधाम यात्रा में व्यापार था, होटल वालों का, जो हमारे होम स्टे वालों का, गाड़ी वालों का, खुमचे वालों का, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स वालों का, उनका सबका व्यापार घटा है। और जो 4 महीने की मेहनत से अपने 12 महीने का जीवन यापन हमारे चार धाम के गढ़वाल के लोग करते थे, उनके जीवन में बड़ा संकट आया, उनका व्यापार घटा है। और साथ में इन्होंने यात्रा को जो डाइवर्ट किया है गढ़वाल से, उसका भी बहुत बड़ा नुकसान गढ़वाल के हमारे क्षेत्र को हुआ है। निश्चित ही ये निंदनीय है। देखिए, आप जानते हैं कि गत वर्ष जो चारधाम यात्रा के कपाट थे वो अप्रैल माह के अंतिम सप्ताह में श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए थे और इस वर्ष मई माह के द्वितीय सप्ताह में 10 मई और 12 मई के आसपास में कपाट खुले हैं। तो स्वाभाविक रूप से क्योंकि दिन कम होने के कारण से, आप जानते हैं कि क्योंकि मई का जो खास करके मई जून जो पीक सीजन होता है, मई माह की हम अगर बात करें तो 10 दिन तो यही हो गए थे, कम हो गए थे। तो उस दृष्टि से इस वर्ष यात्रा के जो दिन है वो कम थे, उस कारण से लगता है कि श्रद्धालुओं की, तीर्थयात्रियों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अगर औसतन देखी जाए गत वर्ष के तुलना में, अनुपात में, तो जो इस वर्ष श्रद्धालु तीर्थयात्री धामों में आए वो उनकी संख्या ठीक ठाक थी और कई बार तो गत वर्ष के मुकाबले अधिक भी रही है।